वाले खनिज का निर्यात अगस्त में 4% से घटकर 1,64,831 टन का रह गया है। एक बयान के मुताबिक खली की स्थानीय कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम सोया मील के आयात की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही सरकार पोल्ट्री उद्योग को भी कुछ राहत दे सकती है। मुर्गी पालन और अन्य क्षेत्रों में खली का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। खली का निर्यात अगस्त 2020 में 1,71,515 टन का रहा था। सी द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल अगस्त में सोयाबीन का निर्यात तेजी से घटकर 10,975 टन रह गया है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 58,190 टन का था। बयान में यह कहा गया है कि भारत सोयाबीन मील के निर्यात की कीमत से बाहर है और अक्टूबर नवंबर में नई फसल आने तक इसके फिर से शुरू होने की संभावना नहीं है। यहाँ तक कि अरंडी से मिलने वाले चारे का निर्यात भी इस अवधि के 32,825 टन से घटकर 18,160 टन का रह गया है। हालांकि रेप सीड मिल का निर्यात इस साल अगस्त में बढ़कर 63,058 टन हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 50,580 टन था, और चावल की भूसी का निर्यात 29,375 टन से बढ़कर 72,668 टन हो गया है। सी ने कहा है कि दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और बांग्लादेश को अधिक शिपमेंट के कारण रेपसीड मील निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। वियतनाम और बांग्लादेश से बड़ी मांग के कारण चावल की भूसी के एक्सट्रैक्शन एक्सपोर्ट ने बेहतर प्रदर्शन किया था। वहीं दक्षिण कोरिया, वियतनाम और थाईलैंड भारत के लिए खली के 3 प्रमुख एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।